दरोगा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी वैकेंसी निकाली है। इसकी परीक्षा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग लेने जा रही है और इस परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए और क्या क्या पैटर्न होंगे और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सवालों का जवाब डॉक्टर एम रामान हमारे लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए देंगे। हम सर से चाहेंगे कि आप बताएं सर कि कैसे तैयारी की जाए बच्चों के लिए। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बहाली निकली है और 215 सार्जेंट के लिए अलग से बहाली निकाल के और सहायक जेल अधीक्षक की बहाली निकाल के भी इसने बहुत चार चांद लगा दिया सर सोचिए तो बीपीएससी ने। तो ऐसी परिस्थिति में इसके सिलेबस सब सेम है। सिलेबस दो चरणों में परीक्षा होगी। प्रथम चरण में आपको पीटी जो पीटी है उसमें 100 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा। जो 100 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और करेंट अफेयर्स होंगे। इसमें मैथ और रीजनिंग नहीं है और इसमें 5 पर 1 5 अगर गलती करता है लड़का तो 1 उसका नंबर घटेगा। तो निश्चित रूप से पीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएस का खेल है और जिन लड़कों ने गहनता से एनसीईआरटी का अध्ययन किया है और अच्छी मानक पुस्तकें पढ़ी हैं और दर्पण जैसे प्रज्वल दर्पण जैसे समसामयिक विषय का अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से उसका पीटी पास करेगा। पीटी पास करने के पश्चात इसमें लगभग 25,000 बच्चों का पीटी में होगा और उसके बाद ये लड़के का दूसरे चरण का परीक्षा होगा जो मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव ही है। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा। अंतर केवल यह है कि इसमें करंट अभ्यर्थ आयोग ने नहीं लिखा है कि करंट अभ्यर्थ नहीं रहेगा लेकिन करंट अभ्यर्थ की जानकारी लड़कों को रहनी चाहिए। 10 नंबर का रीजनिंग और मैथ रहेगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा और 5 पर 1 गलत का निगेटिव है। साथ ही साथ 100 क्वेश्चन हिंदी का होगा जो 200 नंबर का होगा। जो क्वालिफाइंग है इसका नंबर जुटेगा नहीं लेकिन 60 नंबर लाना जरूरी है। इसके लिए वासुकीनंदन का किताब हिंदी का लोग पढ़ सकता है क्योंकि उसमें 5 क्वालिफाई करना जरूरी है और हिंदी में क्वालिफाई नहीं करेगा तो अंतिम रूप से उसका चयन संभव नहीं है। और ये दोनों रिजल्ट पास करने के बाद क्योंकि च्वाइस में दिया रहेगा कि सार्जेंट च्वाइस है कि दरोगा च्वाइस है कि सहायक जेल अधीक्षक च्वाइस है। अगर सार्जेंट की च्वाइस होती है पहली च्वाइस सार्जेंट ही होती है तो ऐसी परिस्थिति में फिजिकल स्टैंडर्ड दरोगा और सहायक जेल अधीक्षक के अपेक्षा में सार्जेंट का फिजिकल स्टेटस जो है वो ज़्यादा है। जैसे इसको 6.5 फीट हाई कूदना है और लॉन्ग में इसको 12 फीट के जगह पर 15 फीट कूदना है। गोला में इसको थोड़ा ज़्यादा फेंकना है तो सार्जेंट अगर जो बच्चे सार्जेंट के लिए फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं उनका सार्जेंट में नियुक्ति होगा। अगर जो दरोगा क्वालिफाई कर जाते हैं उनका दरोगा और सहायक जेल अधीक्षक में उनकी नियुक्ति होगी।